अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो हम आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले समझेंगे कि यार एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता है किस तरीके से, और हम इसे फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आपने अभी तक हमारे इस डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो काइंडली इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, ये बेसिकली एडवांस वर्जन है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो काइंडली आप एक मरतबा उसे लाजमी गो थ्रू कीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में भी बताया था कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न जो है वो है एडवांस वर्जन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में आपको ओवरव्यू देता चलूँ, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को समझेंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ क्लासेस होती हैं, और हम क्या करते हैं उन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू इंटरफेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी क्लास बनाते हैं जो कि क्या करती है, जो कि हमारे मेन को वो उन क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिटर्न करके देती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो गेम फैक्ट्री क्लास है, ये क्या करती थी, ये हमारी मेन क्लास को ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देती थी। इसके अंदर हमने ये काम किया था कि यार जो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जितना भी प्रोसेस है वो तमाम हमने मेन से उठाकर हमारी गेम फैक्ट्री को दे दिया था। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वर्क करता था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर हमारे पास एक और लेयर ऐड हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर हमारे पास एक और लेयर ऐड हो चुकी है, जो कि हमारे पास है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी मेन है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है गेम फैक्ट्री से। अब हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस केस के अंदर क्या होता था कि एक जो गेम फैक्ट्री क्लास होती थी वो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करती थी और मेन को रिटर्न करके देती थी। लेकिन इस केस के अंदर हमारे जो गेम फैक्ट्री है उसको भी नहीं मालूम कि कौन सी क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर एक और लेयर ऐड कर दी है एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री की। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री जो क्लास है वही हमारे बताएगी कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, किस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके देना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इस तमाम ओवरव्यू को समराइज करता चलूँ तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो मेन होती थी वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती थी गेम फैक्ट्री से, और गेम फैक्ट्री खुद ही जो जितनी भी लॉजिक होती थी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की वो तमाम होती थी हमारे पास गेम फैक्ट्री के अंदर। तो हमने यहाँ पर गेम फैक्ट्री के अंदर क्या किया, एक और लेयर ऐड कर दी। एक और लेयर कौन सी, हमारे पास एक और लेयर है एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री की। तो हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री जो है, यहाँ पर ये जो क्लास है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करेगी, और ये देगी हमारे पास फैक्ट्री को, और फैक्ट्री जो गेम फैक्ट्री है उसे देगी, और ये हमारे पास गेम फैक्ट्री देगी मेन को। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे तमाम मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको फॉलो करते हुए कोड करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी आईडी के अंदर, वहाँ पर कोड करते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो यार सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस पैकेज को नेम देने वाले हैं, लेट मी चेक। हम यहाँ पर सबसे पहले सोर्स के अंदर एक न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे नेम देंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। तो हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम दे देंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोट करें, सबसे पहले तो मैं आपको स्लाइड्स के अंदर लेकर चलता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो काम है, हमारे पास सबसे पहले थ्री क्लासेज और इंटरफेस क्रिएट करने वाला काम वही है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। तो मैं सबसे पहले उन क्लासेज को कॉपी कर लेता हूँ, क्लासेज और इंटरफेस को, और हम अपने इस पैकेज के अंदर उसे ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फैक्ट्री पैटर्न से सबसे पहले क्रिकेट क्लास को कॉपी करूँगा, फुटबॉल को करूँगा, हॉकी को करूँगा, और इसी तरीके से जो गेम रनर के नेम से हमारा इंटरफेस है इन तमाम को मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक एक करके इन तमाम क्लासेज और इंटरफेस को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो को पास करूँगा, फिर आपको समझाऊँगा कि बेसिकली वो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है इसके अंदर हमने टोटल थ्री क्लासेस क्रिएट कर ली हैं। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास है उसका नेम है हमारे पास क्रिकेट, सेकंड क्लास का नेम है फुटबॉल, और थर्ड क्लास का नेम है हमारे पास हॉकी। तो बेसिकली हम यहाँ पर इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो हैं वो हम अपनी मेन को रिटर्न करेंगे।
किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है जो कि क्या करे, जो कि इन तीनों क्लासेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सीन होगा कि यार जो हमारे पास जो मिडल वाली लेयर है वो डायरेक्ट इंटरफेस को हिट करेंगे और इंटरफेस जो है हमारे पास इनको क्लासेस के ऑब्जेक्ट देगा। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक मेन क्लास बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर मेन क्लास बनाने के लिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल इस क्लास को नेम देते हैं मेन। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं मेन टू के क्लास नेम दे देते हैं और अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक मेन का मेथड रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक मेन मेथड भी क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने यहाँ पर एक मेन क्लास क्रिएट कर ली, इसी तरीके से गेम रनर के नेम से जो इंटरफेस है वो क्रिएट कर लिया है, क्रिकेट के नेम से जो क्लास है वो क्रिएट कर लिए है, हॉकी के नेम से क्लास है वो क्रिएट कर लिए है, फुटबॉल के नेम से क्लास है वो क्रिएट कर लिए है। तो अब मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एक गेम फैक्ट्री के नाम से जो हमारी क्लास है जो कि हमारे प्रीवियस जो हमारा पैटर्न था जिसके अंदर वो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देती थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर इस क्लास को नेम क्या दूंगा, मैं यहाँ पर गेम फैक्ट्री, आई थिंक हमारी क्लास का नेम क्या है, हमारी क्लास का नेम है गेम फैक्ट्री। तो मैं यहाँ पर सिंपल गेम फैक्ट्री के नाम से एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर गेम फैक्ट्री के नाम से एक न्यू क्लास भी क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं यहाँ पर एक और क्लास ऐड करूँगा। यहाँ पर ये जो अभी तक मैंने जितना काम किया ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देख चुके थे कि हमने यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस क्रिएट की थी, एक इंटरफेस क्रिएट किया था और एक गेम फैक्ट्री के नेम से क्लास क्रिएट की थी। अब हम यहाँ पर एक और लेयर ऐड करें, वो बेसिकली हमारे पास लेयर क्या होगी, वो हमारे पास लेयर होगी एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली आप यहाँ पर इसे क्लास भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप इंटरफेस भी ले सकते हैं। बेसिकली ये जो क्लास होगी ये ही आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी या रिटर्न करके देगी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जितना भी काम होगा वो इसी के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर इस क्लास को नेम के दूँगा, मैं यहाँ पर इस क्लास को नेम दे दूँगा, मैं यहाँ पर इस क्लास का सिंपल नेम देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री के नेम से एक न्यू क्लास क्रिएट कर ली है। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इससे मैं बनाऊँगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से जो मेरी ये क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल पब्लिक टाइप का एक मेथड ले लेता हूँ और ये रिटर्न क्या करेगा, ये जो बेसिकली हमारा पास यहाँ पर ये जो मेथड होगा ये रिटर्न करेगा हमारे पास गेम रनर टाइप का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ गेम रनर और इसके बाद यहाँ पर इसका नेम क्या होगा, इसका नेम हमारे पास होगा बेसिकली यहाँ पर हम कह देते हैं क्रिएट इंस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्रिएट इंस्टेंस के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया है जो कि क्या करेगा, जो कि हमारे पास गेम रनर टाइप का हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो अगर आप यहाँ पर इस लेयर के अंदर नोट करें तो जो हमारे पास यहाँ पर ये जो एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री है ये बेसिकली इंटरेक्ट कर रही है गेम फैक्ट्री के साथ और हमारे पास गेम फैक्ट्री किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, मेन के साथ। अब हम यहाँ पर इस लेयर को रिवर्स लेकर चलते हैं। रिवर्स किस तरीके से लेकर चलेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका फ्लो के अंदर मेन से चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं गेम फैक्ट्री के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली है हमारी मेन क्लास। अब हमारे पास यहाँ पर जो हम अपनी मेन क्लास है इसके अंदर हम इसे इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, हम यहाँ पर इसके अंदर इंटरेक्ट करेंगे गेम फैक्ट्री के साथ। तो हम यहाँ पर गेम फैक्ट्री के अंदर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर सिंपल पास कर देंगे। हम यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर क्या देंगे, हम यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर पास करने वाले हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री क्लास का हम यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी और गेम फैक्ट्री के अंदर इसे कर लेते हैं सिंपल पेस्ट और अब हम यहाँ पर इसे सिंपल नेम दे देते हैं फैक्ट्री। तो हमने यहाँ पर सिंपल फैक्ट्री के नाम से यहाँ पर एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर इस क्लास के अंदर से जो ऑब्जेक्ट मेन को रिटर्न करने के लिए कुछ पास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं पब्लिक और उसके बाद अब हम यहाँ पर स्टेटिक का कीवर्ड टाइप कर देते हैं, उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं गेम रनर। तो हमने इस तरीके से जो हमारा ये मेथड है ये बेसिकली गेम रनर टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल इसे नेम दे दिया है गेम रनर और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं गेट इंस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली मेथड क्या करेगा, ये हमारे पास मेथड जो है ये रिटर्न करेगा। ये बेसिकली रिटर्न क्या करेगा सबसे पहले मैं आपको वो बताता चलता हूँ। तो फ्रेंड बेसिकली ये जो मेथड है ये हमारे पास रिटर्न करेगा जो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस जो हमारे पास यहाँ पर मेथड रिटर्न करेगा ये बेसिकली उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्यों
क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिकली ये कहा है कि यार जो हमारे पास यहाँ पर जो क्लास है गेम फैक्ट्री, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट किससे ले रही है, ये ऑब्जेक्ट ले रही है एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री से। और हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री के अंदर बता दिया कि यार हमारे पास एक मेथड होगा जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो रिटर्न करके देगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर कह देते हैं कि यार जो क्रिएट इंस्टेंस है, तो हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ही हमने इसी वजह से क्रिएट किया था कि यार जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट्री डॉट जो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस है, हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस है, हम यहाँ पर सिंपल इसे कॉल कर लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर ये मेथड रिटर्न करके देगा, वो मेथड हम पास कर देंगे अपने मेन को। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो ये वाला मेथड है, ये मेन को हम पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेन को पास करने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर इस क्लास को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो क्रिएट कर लिया, उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको तो मालूम है कि अब हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अब हमें यहाँ पर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें उन क्लासेस के साथ एक्सटेंड करना पड़ेगा जो कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी क्लासेस है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर नोट करें, तो हमारे पास यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो क्लासेस हैं जो कि इसको एक्सटेंड करें। फर्स्ट क्लास है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फुटबॉल फैक्ट्री, सेकेंड है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री। ये जो दोनों क्लासेज हैं ये क्या करेंगी, हमारे पास फर्स्ट क्लास जो है वो फुटबॉल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी, जो सेकेंड क्रिकेट क्लास है वो जो हमारे पास क्रिकेट फैक्ट्री क्लास है वो हमारे पास क्रिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर जिसे हम एक्सटेंड करवाएंगे हमारी एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री को, और वो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे देंगी। तो आइए अब हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास क्रिएट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री। तो अब हम यहाँ पर सिंपल एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री। तो अब हम यहाँ पर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री के नाम से एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे, अब हम यहाँ पर इसको इस क्लास से को किससे एक्सटेंड करवाएंगे, अब हम यहाँ पर इस क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे सिंपल जो हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब हम यहाँ पर सिंपल उससे ही से एक्सटेंड करवा लेंगे। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, और अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री के अंदर इसे कर लेते हैं पेस्ट। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास का जो हमारे पास यहाँ पर ये मेथड है, अब हमें इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें, तो हमारे पास यहाँ पर ये एरर इसी वजह से दे रहा है कि यार हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट क्लास का हमने यहाँ पर मेथड को ओवरराइड नहीं किया हुआ था। तो अब हमने यहाँ पर सिंपल मेथड को ओवरराइड कर दिया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, अब हम यहाँ पर इसको रिटर्न करवाएंगे सिंपल जो हमारी क्रिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट है, अब हम यहाँ पर सिंपल उसे रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड टाइप करेंगे, और अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे किसका, क्रिकेट का। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है क्रिकेट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो क्लास है ये हमारे पास क्रिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चाहें, तो अब आप यहाँ पर फुटबॉल क्लास का ऑब्जेक्ट भी एक न्यू क्लास क्रिएट करके रिटर्न करवा सकते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे, अब हम यहाँ पर इस क्लास को नेम देते हैं सिंपल एब्स्ट्रैक्ट फुटबॉल फैक्ट्री। तो हमने यहाँ पर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट फुटबॉल फैक्ट्री के नेम से क्लास क्रिएट कर ली है। अब ये क्लास भी हमारे पास सिंपल यही काम करेगी, एक्सटेंड करेगी किसे, हमारे पास यहाँ पर ये क्लास एक्सटेंड करेगी जस्ट हमारे पास यहाँ पर जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री क्लास है उसे ही एक्सटेंड करेगी। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेम मेथड इसके अंदर भी आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस मेथड को भी कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर सेम इसी तरीके से इस मेथड को भी पेस्ट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो मेथड है ये बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा फुटबॉल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फुटबॉल। तो हमारे पास यहाँ पर जी हाँ हमारी क्लास का नेम फुटबॉल था, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फुटबॉल। तो अब आप यहाँ पर नोट करें, तो हमने यहाँ पर क्या क्या काम कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस भी क्रिएट कर लिए। लेट से मैं यहाँ पर सबसे पहले पेन ले लेता हूँ। हमने यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस क्रिएट कर ली हैं, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस क्लास का इंटरफेस भी क्रिएट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्रिएट कर ली है, फैक्ट्री क्लास भी क्रिएट कर ली है, मेन क्लास अभी हमें इसके अंदर काम करना बाकी है।
तो हमारे पास यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री क्लास है, ये बेसिकली क्या करे, हमारे पास यहाँ पर हमने दो क्लासेस क्रिएट की हैं जो कि एक्सटेंड करी इस एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री को। तो हमारे पास फर्स्ट क्लास है एब्स्ट्रैक्ट फुटबॉल फैक्ट्री, जो कि हमारे पास फुटबॉल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करके दे रही है हमारी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को। और इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री, जो कि हमारे पास क्रिकेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करके दे रही है एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री को। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ गए हैं हमारे पास यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट को पास करना है हमारे पास जस्ट हमारे गेम फैक्ट्री को। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितना भी हमारा काम था वो हमने कर लिया एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। अब हमें यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट को पास करना है हमारी सिंपल गेम फैक्ट्री को, और जो हमारी गेम फैक्ट्री क्लास है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी मेन को। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टू लेयर्स क्रिएट हो गई हैं मेन और जो हमारे इंटरफेसेस हैं उनके दरमियान। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर जो मेन क्लास है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है गेम फैक्ट्री से, और जो हमारे पास यहाँ पर मेन समझ रही है कि जो उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है वो हमारे पास गेम फैक्ट्री कर रही है। लेकिन यहाँ पर गेम फैक्ट्री को भी नहीं मालूम कि यार ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो गेम फैक्ट्री है वो इंटरेक्ट कर रही है एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री से। हमारे पास यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री है वो ही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम कर रही है। वो ही इसकी किस मदद से किस तरह कर रही है वो बेसिकली हमारे पास कुछ हमने क्लासेस को एक्सटेंड किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री से, वो क्लासेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारे एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री को दे रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट गेम फैक्ट्री जो है वो हमारे पास यहाँ पर गेम फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट दे रही है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मेन को दे रही है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टोटल टू एब्स्ट्रैक्ट लेयर क्रिएट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मेन के अंदर जाएंगे और अब हम यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम होगा वो बेसिकली हमारे पास क्लास के जो पैरामीटर है उसके अंदर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसे कर लेते हैं कट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है वो बेसिकली हमारे मेथड के पैरामीटर के अंदर होता है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। और इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर दो कर्ली ब्रेसिस है, अब हमने सिंपल उसे भी यहाँ से यहाँ तक कर लिया है रिमूव। तो हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक क्या किया था कि हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर जो क्लास के जो पैरामीटर बनाए थे उसके अंदर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था। तो बेसिकली हमारे पास रूल को फॉलो नहीं करता, तो इसी वजह से सिंटैक्स एरर दे रहा था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलेंगे अपनी मेन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर मेन वाला काम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करें, हमारी जो मेन क्लास है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है हमारी गेम फैक्ट्री से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर सिंपल टैप कर दूंगा गेम फैक्ट्री। तो मैं यहाँ पर सिंपल टैप कर देता हूँ गेम फैक्ट्री, और हमारे पास यहाँ पर ये जो बेसिकली, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, हमारे पास यहाँ पर जो गेम फैक्ट्री है, अब हम यहाँ पर सिंपल इसका जो गेट इंस्टेंस है, तो बेसिकली हम यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये जो गेट इंस्टेंस है, हमने यहाँ पर जस्ट इस मेथड को कॉल कर लिया। अब हम यहाँ पर बेसिकली काम क्या किया, बेसिकली मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। हमने यहाँ पर मेन जो हमारी क्लास है इसमें कहा कि यार बेसिकली मुझे ऑब्जेक्ट दो। अब हमने यहाँ पर मेन को ये नहीं कहा कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि आपने यहाँ पर सिंपल न्यू, हमारे पास यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री क्लास को कॉल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री। तो हमने यहाँ पर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्रिकेट फैक्ट्री क्लास के जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमने सिंपल उसे पास कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी मेन ने डिमांड की है हमारी गेम फैक्ट्री से, लेकिन अभी तक हमारी गेम फैक्ट्री को नहीं पता कि ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारी गेम फैक्ट्री है इसके अंदर बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट हुआ हुआ है जो गेट इंस्टेंस है उसके अंदर, उसके अंदर ये बेसिकली कॉल करेगा जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके क्रिएट इंस्टेंस को। तो जो क्रिएट इंस्टेंस है वो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा वो किस टाइप का देगा, वो हमारे पास देगा गेम रनर टाइप का। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं गेम रनर, और उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ओबीजे वन इक्वल्स टू। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ओबीजे वन के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा हमारे पास क्रिकेट फैक्ट्री क्लास से। क्रिकेट फैक्ट्री क्लास जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रही है हमारे पास क्रिकेट क्लास का। तो इस तरीके से हमारे पास ओबीजे वन के अंदर क्रिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया हुआ, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ क्रिकेट क्लास के अंदर। तो हमारे पास ये बेसिकली क्रिकेट क्लास है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिकेट क्लास के प्ले के मेथड को कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो क्रिकेट क्लास है ये इंप्लीमेंट किससे हुई हुई है, ये इंप्लीमेंट हुई हुई है हमारे पास यहाँ पर गेम रनर के थ्रू। तो इसी वजह से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस क्लास का क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मेन में चलेंगे और अब हम यहाँ पर मेन में कह देते हैं सिंपल ओबीजे वन डॉट, उसके बाद अब हम यहाँ पर जस्ट इसके अंदर प्ले के मेथड को कॉल कर लेते हैं। लेट मी चेक दिस कि हमारे पास यहाँ पर एक कौन सा
कोड एग्जीक्यूट करा, कौन सा क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करा। तो सबसे पहले मुझे रन करने दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट शो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्रिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट शो रहा है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फुटबॉल फैक्ट्री को कॉल करता हूँ तो इसके अंदर देखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके देगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट फुटबॉल फैक्ट्री। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, अब हमें यहाँ पर इस ओबीजे वन के अंदर स्टोर हो जाएगा जो हमारे पास फुटबॉल क्लास का ऑब्जेक्ट है वो। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फुटबॉल क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था बेसिकली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ किया और हमने यहाँ पर दो एब्स्ट्रैक्ट लेयर क्रिएट किए, जो कि हमारे पास यहाँ पर एक लेयर जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर रही है। तो फ्रेंड्स ये था तमाम मैकेनिज्म एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न करने। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।